हेलो एवरीवन, आई एम झूमर राम टू टेट रूबेक्स। आज के वीडियो में हम रियल नंबर्स में जो जो क्वेश्चंस सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर्स में पूछे उन सबको डिस्कस करेंगे, एंड वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी साथ में डिस्कस किए जाएंगे जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है कि 2021 के बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाएं। ये हमारे क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर वन है। क्वेश्चन सीरीज में हम सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने पूछे हैं डिस्कस करेंगे। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल तो यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर जरूर करना, क्योंकि ये जो 2021 के बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास के स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लाए हम लोग। सो व्हाई वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। उसने पूछा कि प्रूव दैट 5+3√2 आपका एक इरेशनल नंबर है, वेयर इज √2 इज इरेशनल गिवन। सो हाउ टू प्रूव दिस, इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई ने 2018 में भी पूछे, 2017 में भी पूछे, ईयर ऑन ईयर ये पूछता है सीबीएसई, और 3 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, और वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रूव जो करना है उसका उल्टा हम ट्रू मान लेते हैं। प्रूव ये करना है कि 5+3√2 आपका इरेशनल नंबर है, तो हम ये मान लेते हैं कि 5+3√2 एक रैशनल नंबर है। सपोज दैट 5+3√2 आपका कैसा नंबर है, इज अ रैशनल नंबर, राइट। वंस यू हैव सपोज दैट दिस इज अ रैशनल नंबर, सो यू नो दैट रैशनल नंबर का जो फॉर्म होता है वो p/q या फिर a/b कुछ भी फॉर्म बोल दीजिए। सो ये 5+3√2 किस फॉर्म का हो गया, दैट इज इक्वल टू a/b फॉर्म का हो गया, जहां पे हम a/b को एक सिंपल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का ये मतलब हुआ कि a एंड b कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। कैसे नंबर्स हैं, वो को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम का ये मतलब हुआ कि उनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में, और b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। जब इतना आपको ये पता लग गया तो इसको कर सकते हैं, सिंपल सी बात है कि आप 5 को शिफ्ट कर लीजिए इधर। सो आपका बचा 3√2, वो किसके इक्वल हुआ, a/b-5, ठीक है। और वो किसके इक्वल हो गया, सिंपली आपको पता लग रहा है कि ये हो गया, अगर इसको एलसीएम ले तो ये हो गया a-5b/b, राइट, दैट 3√2 इतना हुआ। नाउ √2 इक्वल टू कितना हो गया, a-5b/3b। नाउ अगर आप RHS को देखें इसमें, तो a भी आपका क्या है, एक इंटीजर है, b भी आपका क्या है, इंटीजर है, और 5 भी एक इंटीजर है। दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जब एक इंटीजर मिलता है, और दो इंटीजर्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट भी करें तब भी आपको एक इंटीजर ही मिलता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस फ्रैक्शन में आपका जो न्यूमरेटर हुआ वो एक इंटीजर हो गया, और जो आपका डिनोमिनेटर हुआ वो भी एक इंटीजर है। क्यों, क्योंकि बी भी एक इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर है। इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर के साथ हमेशा एक इंटीजर देता है। तो ये जो फ्रैक्शन आया वो फॉर्म जो हो गया, ये p/q फॉर्म हुआ, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। सिंस b इज नॉट इक्वल टू 0, तो 3b जो होगा वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा, वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यहां से आपको ये पता लग गया कि जो RHS है वो आपका एक रैशनल नंबर है। वो कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। बट जो LHS है वो गिवन ये है कि वो कैसा नंबर है आपका, एक इरेशनल नंबर है। तो ये बताइए, क्या एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, हमें कॉन्ट्राडिक्शन हो गया यहाँ पे, क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, जरा ये बताएंगे। हमने लास्ट में देखा कि ये तो सही नहीं हो पा रहा, ये सही नहीं क्यों हो पा रहा, क्योंकि हमने जो सपोज किया था वही गलत किया था। और हमने सपोज क्या किया था, हमने सपोज ये किया था कि 5+3√2 वो आपका कैसा नंबर है, एक ये आपका एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये गलत सपोज किया, तो ट्रू क्या होगा कि 5+3√2 आपका एक इरेशनल नंबर है। दिस इज हाउ यू कैन सिंपली प्रूव दैट कि 5+3√2 एक इरेशनल नंबर कैसे हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा पूछता है, सिंपल सा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है। सो लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया कि 2048 एंड 960 का आपको एचसीएफ बताना है, मेकिंग यूज ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। नाउ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है कि अगर आपके दो नंबर्स है, आपके पास इफ यू हैव टू नंबर्स राइट ए एंड बी, सच दैट ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, एंड वेयर ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ए जो होता है वो आपका रिटर्न कैसे लिखा जा सकता है, bq+r, वेयर r की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर जो r की वैल्यू होगी वो लेस देन b होगी। वेयर a जो होगा आपका डिविडेंड का काम करेगा, b जो होगा वो डिवाइजर का काम करेगा, q आपका कोसेंट होगा, एंड r आपका रिमाइंडर होगा। ये चीज को हमें बार बार अप्लाई करना है जब तक कि आपका रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। क्योंकि आपने देखा ना कि पॉसिबिलिटी ये है कि रिमाइंडर 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू जब तक रखना है जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। और वो स्टेप जहां पे रिमाइंडर 0 मिल जाए उस स्टेप में जो बी होगा
वो आपका SCF आएगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को करते हैं। सो आपका क्वेश्चन था कि ए की जगह आ गया आपका 2048, वो किसके इक्वल हो गया, बी की जगह 960 इनटू क्यू, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस रिमाइंडर आपका जो आएगा वो 128 आ जाएगा। नाउ यू सी दैट रिमाइंडर जीरो के बराबर नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस स्टेप में जो आपका डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड का काम करेगा अब, एंड जो आपका रिमाइंडर था वो अब डिवाइजर का काम करेगा। सो इनटू, अब कितनी बार इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 7 टाइम्स कर सकते हैं। क्या फिक्स है कि हम 7 टाइम्स कर पाएंगे? हाँ, इसको 7 टाइम्स कर पाएंगे, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा आपका 64। जब इसका रिमाइंडर 64 आ गया, अगेन रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं है, तो क्या करेंगे, वापस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। अब जो आपका डिवाइजर था इस स्टेप में, वो आपका किसका काम करेगा, डिविडेंड का काम करेगा, एंड जो रिमाइंडर था वो आपका किसका काम करेगा, डिवाइजर का काम करेगा। 64 कितनी बार, 2 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। और मैंने क्या बोला था, उस स्टेप पे हमें रुक जाना है जब रिमाइंडर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। अब हमें जब रिमाइंडर 0 मिल गया है, ठीक है, जब रिमाइंडर 0 मिल गया है, तो अब क्या हो गया कि उस स्टेप में डिवाइजर कितना है, 64 है, 64 आपका डिवाइजर है, तो वो क्या होएगा आपका, HCF हो गया। सो इस केस में आपका जो HCF आया वो कितना आया, 64। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ एनी टू गिवन नंबर्स। और इस टाइप का क्वेश्चन CBSE पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। एक और जो आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि आपने पढ़ा हुआ है। क्या बोलती है कि हमारा हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे अगर हम उनके ऑर्डर को छोड़ दें, ठीक है। जैसे कि अगर आपके, मैं नंबर की बात करूं, 28, सो 28 का अगर आप प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो आपको पता है ये कितना आएगा, सिंपल जो डिवीजन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। सो आप यहां से देख पाएंगे 28 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 7 पावर 1। नाउ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 पावर 1 इंटू 2 स्क्वायर। सो व्हाट आई सेड कि आपके प्राइम फैक्टर्स तो 2 और 7 ही है, लेकिन उनका ऑर्डर आप चेंज करके लिख सकते हैं, तो ये हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, कि प्राइम फैक्टर्स हमेशा उसके यूनिक आएंगे। इसी का यूज करके CBSE क्वेश्चन पूछेगा आपको। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा हुआ है CBSE ने, पिछले ही सेशन में पूछा था, ठीक है, या क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 404 एंड 96 का आपको क्या बताना है, आपको इसका HCF निकालना है, LCM निकालना है, एंड यू हैव टू वेरीफाई दैट कि HCF इनटू LCM, ठीक है, वो किसके इक्वल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स A एंड B के, ये आपको प्रूफ करना है। और ये सारा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको सिंपली आप कर सकते हैं यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और इस टाइप के क्वेश्चन भी CBSE पूछ लेता है, कभी 3 मार्क्स में पूछता है, कभी 2 मार्क्स में, कभी 1 मार्क में, ठीक है। सो 404 को आप सिंपली कैसे लिख सकते हैं, आप इसको करेंगे, सो आपका कितना टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स 202, अगेन 2 से किया आपने तो आ गया 101। अब ये आप किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपको पता लग गया 404 को आपने कैसे लिख दिया, 2 स्क्वायर इंटू 101 पावर 1, राइट। नाउ नेक्स्ट कम 96, सो 96 को आप कैसे लिख सकते हैं, 96 का अगर आप करें, सो 2 टाइम्स 48, राइट, 2 टाइम्स अगेन इट विल गिव यू 24। नाउ 2 टाइम्स किया आपको तो 12, देन 2 से डिवाइड किया तो 6, देन 2 से डिवाइड किया तो क्या आया आपका, 3 आया, एंड 3 से डिवाइड किया तो आपका क्या आया, 1 आया। सो 96 को आप कैसे लिख सकते हैं, 96 इक्वल टू 2 पावर कितना आ गया, 5 इंटू 3, राइट, इज दैट करेक्ट, यस इट इज करेक्ट, ओके। जब ये लिख दिया तो अब कैसे करेंगे इसको, वेरी सिंपल। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि पहले HCF निकाल लेते हैं, और HCF निकालना आपने सीखा हुआ है। HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब पहले तो कॉमन फैक्टर, नाम का मतलब ही है कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले देखिए क्या क्या कॉमन है, इसके फैक्टर से 2 और 101, इसके फैक्टर से 2 और 3, कॉमन क्या आया, 2 आया, सो कॉमन सिर्फ 2 आया। अब 2 की दोनों में देखिए जो लोवेस्ट पावर होगी वही यहाँ पे लगेगी, यहाँ 2 की पावर कितनी थी, 2, यहाँ पावर कितनी थी, 5 थी, तो लोवेस्ट कितनी है, 2, सो आपका HCF आ गया 4, राइट। अब LCM निकालने के लिए क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सो मल्टीपल के लिए आपको क्या करना है, हर फैक्टर को कंसिडर करना है, कौन कौन से फैक्टर है इसमें, 2 भी है, 3 भी है, 101 भी है,
सो पहले टू किया, सो टू का हाईएस्ट पावर लेना है, टू का हाईएस्ट पावर इसमें टू था और इसमें फाइव है, दोनों में हाईएस्ट कितना आया, फाइव आया, टू पावर फाइव इंटू थ्री का पावर तो वन ही है, थ्री पावर वन इंटू वन जीरो वन का भी वन ही है, ठीक है। और अगर आप इसको सोल्व करें तो आएगा 32 इंटू थ्री इंटू वन जीरो वन, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा और सोल्व कर लें सो आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, ये आपका वैल्यू हो गया इक्वल टू 9696, राइट। सो एलसीएम आपका आ गया, एलसीएम आपका कितना आया, एलसीएम आपका आया 9696, एचसीएफ आपका आया 4। नाउ यू हैव टू, आपने एलसीएम और एचसीएफ एक पड़ाव तो आपने क्या कर लिया, पार कर लिया। अब आपको सेकंड स्टेप पे वेरीफाई करना है, उसको करने के लिए आपको क्या करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम देखना है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे तो 9696 into 4 करेंगे आप, सो उसकी वैल्यू आप निकालिए। एंड एचसीएफ नंबर्स कौन से हैं, दो, ए इंटू बी करेंगे, ए इंटू बी कितना आएगा आपका, कौन कौन से नंबर थे आपके पास, दो नंबर्स कौन से थे आपके पास, 404 एंड 96, राइट, 404 एंड 96। सो आप देखिए ए इंटू बी करेंगे, इसका एक रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आप निकाले आपके लिए होमवर्क, और इनका भी एचसीएफ इंटू एलसीएम है ये आपका, है ना, ये एचसीएफ इंटू एलसीएम है, ठीक है। इसका भी आपको एक रिजल्ट मिलेगा, दोनों रिजल्ट आपके सेम आएंगे तो वेरीफाई हो गया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू गिवन नंबर्स। इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई पूछेगा और मैं 101% बोलता हूं कि आप इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया कि सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 6। सीबीएसई क्या करता है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना तोड़ मरोड़ के पूछता है, कभी ये बोलता है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2, कभी पूछता है कि सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 3, कभी पूछता है सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 6। सो मैं तीनों चीजें आपको एक ही एग्जांपल में करवा दूंगा और मेरी ये गारंटी है कि जो अभी तक आपने क्वेश्चंस देखे हैं इनके बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप रियल नंबर के चैप्टर में 100% स्कोर करेंगे, ठीक है, और वो सिंपल चैप्टर भी है काफी। सो हाउ वुड यू सो दैट, सो हाउ वुड यू सो दैट, सो लेट अस सपोज कि जो तीन कंजुगेटिव इंटीजर्स है वो आपके एक्स, एक्स प्लस वन एंड x प्लस टू है, ठीक है। नाउ फर्स्ट हम चूज करते हैं कि सो दैट दिस इज डिविजिबल बाय 2। नाउ 2 से डिविजिबल होने के लिए ये जरूरी है कि या तो ये नंबर, सिंस प्रोडक्ट क्या होएगा इनका, प्रोडक्ट जो होएगा वो होएगा x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। नाउ इसको डिविजिबल बाय 2 शो करने के लिए या तो ये x डिविजिबल बाय 2 हो जाए, या x प्लस वन 2 से डिवाइड हो जाए, या फिर x प्लस टू 2 से डिवाइड हो जाए। इन तीनों में से कोई भी एक 2 से डिवाइड हुआ तो सिंस एक नंबर हो रहा था उनका प्रोडक्ट भी 2 से डिवाइड हो गई। अब इसको करने के लिए क्या है, सिंपली पता, अगर आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होगा या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम x को चूज करें, नाउ जब आप x को चूज करते हैं इस नंबर को, नाउ x को चूज करने पे क्या हो सकता है कि 2 से डिवाइड करें, मतलब x आपका डिविडेंड का काम करेगा। नाउ इसको लिख सकते हैं 2q प्लस रिमाइंडर। अब नाउ रिमाइंडर की वैल्यू आपकी या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, राइट। सो x इक्वल टू क्या हो सकता है आपका, या तो 2q आएगा या x की जो वैल्यू आएगी आपकी 2q प्लस 1। बात को समझिए, नाउ x की वैल्यू 2q आई, रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब वो तो डिविजिबल बाय 2 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि वो रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर क्या आए, 1 आए। जब रिमाइंडर 1 आए तो x की जो वैल्यू होगी वो 2q प्लस 1 होगी, तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा, x प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2q प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, और वो कितना हो गया 2q प्लस 2, और आप इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, कितना आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय q प्लस 1, ये अगेन कोई इंटीजर है, इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल हुआ, x प्लस 1 आपका जो नंबर है वो 2 का मल्टीपल हो गया। अभी मैंने क्या बोला, x या फिर x प्लस 1 या x प्लस 2 में से एक भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल होएगा तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जब r 0 था तो x 2 से डिविजिबल था, जब r की वैल्यू 1 आई तो x प्लस 1 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही केस में ये जो प्रोडक्ट हो रहा है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो इनका जो प्रोडक्ट था थ्री कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का वो 2 से डिवाइड होगा। अब नाउ 3 से डिवाइड करना है तो उसके लिए क्या करना है, वही नंबर होगा अपने पास, ठीक है, वो n जो है वो दैट इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस टू, राइट। नाउ अब आपका जो डिवाइजर का काम कर रहा है 3 कर रहा है, तो हम इसी नंबर को बात करें x, और अगर इसको 3 से डिवाइड करें
ठीक है, इसको हम 3 से अगर डिवाइड करें, या सो या x को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो वो क्या आएगा, 3q प्लस सम रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर हो सकता है वो या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, जब कभी भी किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं। नाउ रिमाइंडर 0 आया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3q। नाउ जब 3q आ रहा मतलब x डिविजिबल बाय 3 है, जब x डिवाइड हो रहा 3 से तो जो x into x plus 1 into x plus 2 ये जो नंबर होगा वो भी 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि इनमें से एक भी नंबर 3 से डिवाइड हो गया तो उनका प्रोडक्ट भी 3 से डिवाइड होएगा। नाउ r की वैल्यू अगर 1 ले तो x की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, x की जो वैल्यू बनेगी वो 3q plus 1 बनेगी। नाउ x plus 1 करेंगे आप वो किसके इक्वल होएगा, वो होएगा 3q plus 1 plus 1 दैट इज इक्वल टू 3q plus 2, मतलब x plus 1 तो डिवाइड नहीं हो रहा, ना तो x डिवाइड हो रहा 3 से, ना x plus 1 डिवाइड हो रहा है। अब आता है x plus 2। Now, x plus 2 को देखें हम तो x plus 2 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, x की वैल्यू 3q plus 1 और plus 2 कर दें तो वो कितना आ गया आपका 3q plus 3 आ गया, एंड 3 आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं तो कितना आ गया 3 into q plus 1। Now, आप देखेंगे कि x plus 2 जो है वो 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब 3x plus 2 को डिवाइड करेगा, और अगेन जब 3x plus 2 को डिवाइड कर रहा है तो इस पूरे नंबर को भी डिवाइड करेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स जो था दैट इज डिविजिबल बाय 3, दैट इज डिविजिबल बाय 3, इज दैट करेक्ट, नहीं, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने क्या चेक किया, r इक्वल टू 0 के लिए चेक किया, r इक्वल टू 1 के लिए चेक किया, अभी तो r इक्वल टू 2 के लिए चेक करना है। जब r इक्वल टू 2 होगा तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3q plus 2 होगी। नाउ x plus 1 जो होगा वो कितना आएगा, 3q plus 2 plus 1 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 3q plus 3, 3 आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, कितना आ गया q plus 1, राइट। नाउ x plus 1 आपका 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब x plus 1 इज डिविजिबल बाय 3। तो इस केस में आपने ये देखा जब रिमाइंडर 0 था तो x 3 से डिवाइड हो रहा था, रिमाइंडर 1 था तो आपका x plus 2 जो था वो 3 से डिवाइड हो रहा था, और जब रिमाइंडर 2 है तो x plus 1 3 से डिवाइड हो रहा है। तो या तो रिमाइंडर 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, x, x plus 1, x plus 2 में से एक ना एक नंबर तो डिवाइड होगा। जब एक ना एक नंबर तीनों ही केस में डिवाइड हो रहा है तो उन तीनों नंबर का प्रोडक्ट भी 3 से डिवाइड होगा। यानी क्या हुआ कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स था वो 3 से डिविजिबल हो गया। नाउ सिंपल सी चीज है कि ये जो प्रोडक्ट था वो 2 से डिविजिबल था, 3 से डिविजिबल था, और सिंपली आप पता है कि अगर कोई नंबर 2 से एंड 3 से दोनों से डिविजिबल होगा तो 6 से भी डिविजिबल होगा। इसीलिए ये हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 6, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तक सारी चीजें जो की है आई होप आपको समझ आई होंगी, और ये मेरा वादा है कि ये जो 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 क्वेश्चंस मैंने अभी आपको करवाए हैं ये सारे क्वेश्चंस एक बार आपने फिर से देख लिया और ये प्रोसेस दिमाग में डाल लिया तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, ये मेरा वादा आपसे, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपका एक भी नंबर नहीं कटे। सो अब अगले लेक्चर में पॉलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसका पैटर्न आपको बताएंगे। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू।